अस्सलाम वालेकुम, याम बना रही हूँ शामी कबाब। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन फिलेट और चना दाल, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैं साथ में डालूँगी तंदूरी स्पाइस, सॉल्ट, और ये तंदूरी स्पाइस भी मैंने ऐड कर दिया है। साथ में मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर और खड़े मसाले, इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये भी मैं अंदर साथ में ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं डालूँगी सिनामन और स्टार अनिस, और वो भी मैं अंदर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा ज़ीरा वो भी मैं डाल दूँगी, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी। अगर आप पॉट में कुक करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये मैंने एग्स बॉईल करने रख दिए हैं, तो भी कुक हो जाएगा तो इसे एक बार चेक कर ले। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई हो जाना चाहिए, और मैं इसको फोक से ब्रेक कर लूँगी, और फिर मैं इसको मिक्सी में डाल के अच्छा सा बारीक सा पीस लूँगी। अगर आपको मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और इसमें मैं मजीना भी ऐड कर दूँगी, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छा आता है। और ये बिल्कुल ऐसा पीस जाना चाहिए चिकन का मंस, अगर आप हाथ में लेके उसको थोड़ा सा रोल करें तो वो बिल्कुल इस तरह से हो जाना चाहिए। ये चिकन का मंस है, और मैंने इसके ऊपर जो मैंने एग बॉईल कर दिया था मॉर्निंग टाइम में, मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको पूरी जैसी बना के उसके ऊपर एग के एक दो पीस रख दूँगी, और इसका अच्छे से रोल कर दूँगी। मैं आपको रोल करके सारे दिखाती हूँ। अरे, मेरे सामी कबाब जो हैं मैंने उनको शेप दे दिया है। ये फ्रीज़र सूटेबल है, अगर आपको इनको बना के फ्रीज़र करना है रमज़ान के लिए या ऐसे ही, तो आप फ्रीज़र कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको फ्राई करूँगी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो हैं वो रजब के रोज़े रखते हैं, तो मैं उसके लिए ये अभी फ्राई करने वाली हूँ। तो तैयार है हमारे शामी कबाब, अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, माशाल्लाह।